वेलकम स्टूडेंट्स, आज का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से। इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में 4.5 केजी ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न्ड। क्या किया गया? 4.5 किलोग्राम ईंधन, कोई भी ईंधन है, उसको पूरी तरह से जलाया गया। द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर्ड, जो वहां से हीट उष्मा उत्पन्न हुई वो कितनी नोट की गई। इतने के का मतलब किलो, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। इतने किलो जूल मेजर की गई, क्या भाई, जब 4.5 केजी फ्यूल को जलाया गया तो इतने किलो जूल हमें हीट मिली। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। पहले तो आपको यही पता हो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज द हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 केजी ऑफ फ्यूल वॉज कंप्लीटली बर्न। जब 1 किलोग्राम ईंधन को पूरी तरह से जलाया जाता है, उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू। डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द हीट प्रोड्यूस्ड है व्हेन 1 केजी, 1 किलोग्राम, व्हेन 1 केजी ऑफ फ्यूल is completely burnt। जब 1 किलोग्राम ईंधन को पूरी तरह से जलाया जाता है, तो क्या 1 किलोग्राम से निकालना है? 4.5 केजी से हमें कितनी मिल रही है एनर्जी? 4.5 केजी ऑफ फ्यूल ऑन कंबशन प्रोड्यूस हीट। कितनी हीट? इतनी हीट देता है भाई 4.5 केजी। 1 केजी कितनी देगा? कम देगा भाई, डिवाइड हो जाएगा 4.5, 180,000, 45, 10 हो जाएगा। तो ये कितने से कैंसल होगा? 4 पे 400, ये आएगा 40,000 किलो जूल पर केजी। 1 किलोग्राम पर केजी आएगा, नहीं, कितना है? 40,000, 45 × 90, 6×180, 4000, ठीक है भाई, ये समझ में आया होगा बच्चों को। पहले तो पता क्या पता आपको ये होना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है भाई। 1 किलोग्राम ईंधन को जब पूरी तरह से जलाया जाएगा वहां कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये 4.5 केजी की दी हुई थी भाई, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैंने कितने की निकाली? 1 केजी की। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? क्या रस्टिंग? रस्टिंग क्या होता है? जब लोहे के ऊपर क्या होता है, लोहा के ऊपर जो ब्राउन कलर की लेयर इकट्ठी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। क्या वो प्रोसेस कंबशन है? कंबशन क्या होती है? जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। कंबशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है भाई, ठीक है। चाहे वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में हो, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट भी हो सकती है ये, या दूसरी फॉर्म हो सकती है एनर्जी की, लाइट भी हो सकती है भाई। तो जो अब रस्टिंग है, द रस्टिंग ऑफ, इन रस्टिंग ऑफ आयरन हीट इज प्रोड्यूस। जो रस्टिंग होती है आयरन की, जंग लगता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बट वेरी स्लोली, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, या आप ये भी लिख सकते हैं हीट इज प्रोड्यूस बट इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। सो रस्टिंग कैन बी कॉल्ड, कंबशन नहीं बोलेंगे, स्लो कंबशन,
स्लो कम्बशन बोलेंगे, रस्टिंग को हम कम्बशन नहीं स्लो कम्बशन बोलेंगे। इसी के साथ भाई जो चैप्टर सिक्स था आपका पूरा होता है। अब बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में पूछा है ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ किसका, कैंडल, मोमबत्ती का, और वो बेटे आपको दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी बुक में, वहाँ से आप लोग बना लेंगे। उसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो आप लिख लेंगे, भाई इनर जोन को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट जोन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे वैक्स होता है, ये थ्रेड यहाँ पे यूज होता है, वो आप मेंशन करेंगे जैसे ही उसका फिगर बनाएंगे। एनसीईआरटी से दिया हुआ है। इसका लास्ट क्वेश्चन आप बच्चे नहीं करेंगे, 11 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली तभी समझाया जा सकता है जब हम उसको करके देखें। वो जैसे ही हमारा लॉकडाउन ऑफ होगा उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।